तमाम मेरे चैनल देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ ये कैरियल की टाइमिंग। ये कैरियल कहते हैं इसको, ये कैरियल की टाइमिंग यहाँ आई हुई है जो आपकी मशीन टांका नहीं उठाएगी। सुई अपनी जगह है मगर ये टांका नहीं उठा रही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कर रही है फाइल। चीज़ टकरा रही है, ये आप देख सकते हैं कि ये टांका नहीं उठाएगी क्योंकि ये आपका कैरियल पीछे घूम गया ये राड से। ये जो होता है कैरियल, ये जहन में रखे कि ये घूम गया आपका, इस साइड पे ज़्यादा आ गया इधर करीब। तो अब मैं इसकी टाइमिंग बांधना सिखाता हूँ कि आपका क्या तरीके का है। तो आए आप समझे, आप देख सकते हैं ये टाइमिंग आपकी बहुत आउट है। ये देख रहे हैं आप, ये टाइमिंग यहाँ होना चाहिए, सुई इस हिस्से तक आना चाहिए। तो ये टाइमिंग यहाँ हो गई है, ये कभी टांका नहीं उठाएगी और उसकी वजहवात होती है ये आपका घूम गया चल चल के। तो अभी ये टांका बिल्कुल नहीं उठाएगी और यहाँ हिसाब से। तो अभी आपको मैं तरीका बताऊँ, ये नाला आपने खोलना है, ये आपने खोल दिया। आप खोलने के बाद में जहाँ तरीका आपको बता रहा हूँ कैरियल बांधने का वो आपने करना है। ये आपको हिस्से में बता रहा हूँ, आप देखें ये यहाँ पर आया हुआ, इसको यहाँ तक आना है बस। अब इसका आपका तरीका है ना, है ये आपने ये कर रही है धूर हो गया, सही है ना। अब आपने इस साइड पे करना है, ये इस जगह ये आपका अभी और होगा, ये इस तरह ये आपका इस जगह रखना है। इस जगह पर आएगा आपका कभी टांका नहीं उठाएगा, इस जगह पर ये टकराएगा भी, इस जगह पुर्जा आपका कभी नहीं उठाएगा। तो अब ये आप देख सकते हैं कि आपने ये लगाया नाल लगाया, अब ये देखें आप ओरिजिनल हालत पे आ गया। ये आपका मशीन भी रवा हो गई है, अब ये टांका आराम से उठाएगा। ये समझना है कि ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये हिस्सा जो है, ये जो आपका सुराख ये पटरी का, इसके इधर आना चाहिए और ये हिस्सा जो है सुई का इस साइड पे आना चाहिए। ये आपने समझना है और इंशाल्लाह आपकी अब मशीन टांका उठाएगी। मुख्तसर वीडियो में मैंने आपको ये समझाया, ये मेन फॉल्ट होते हैं, राड घूम जाती है तो आप लोग परेशान होते हैं कि टांका नहीं उठा रही है। तो अब आपने इस तरह करना है, ये नाल की सेटिंग मेन होती है। ये आपने सफ़र करके ये आपकी कैरियल की टाइमिंग बिल्कुल ज़बरदस्त हो गई है। ये यहाँ पर आ गई है, पहले यहाँ चल रहा था, ये बिल्कुल ये घूमा हुआ था, सुई इधर ही आपकी चुभना चाहिए, इतना आपने रखना है। जब ये रखोगे तो ये टांका मूव करेगा, ये सुई मूव कर रही है आपकी, सही है। तो ये आपने समझने टाइमिंग है, और क्योंकि ये ढीला होने से ये आपका ये पेंच खुल जाता है चलाते हैं आप, तो ये आपने कस लेना है। अगर इसमें पिन होती है, ये पिन का भी सुराख है, अगर पिन सेंटर सुराख है तो आपने पिन मारनी है। आपका सुराख सेंटर में तो पिन मारनी है, अगर नहीं है तो आपने ये पेंच ताकत से कसना है कि दोबारा ना घूमे, आप दोबारा परेशान होंगे। तो ये याद रहे यहाँ की टाइमिंग होनी है, ये है कैरियल की टाइमिंग कि टांका गायब हो जाता, उठाती नहीं है। तो ये आपका बहुत इधर आ गया था, ये चीज़ें यहाँ घूमी हुई थी, तो ये राड को आपने सही करना है, ये इस पोजिशन पर लाना है जो आपका ये सुई मूव कर रही है। आप गौर से देखें, सुई मूव कर रही है टांका पकड़ने का, सही है ना। तो ये जहन में रखना, ये लूज़ होने पर ये घूम जाता है, टांका नहीं उठाती, लोग परेशान होते हैं। तो ये याद रखें कि ये टाइमिंग ने यहाँ करनी है बस। अब आपने क्या करना है, धागा डाल के अब चेक करना है। अब ये देखें आपकी मशीन टांका उठा रही है, ये आपकी मशीन दाना भी है, ये आपका क्लियर हो गया है। ये टांका आपका पकड़ लिया, सही। तो अब आपने ये देखना, मैं दोबारा आपको बताता हूँ ये क्या हुआ था। ये आपका पीस यहाँ से घूम गया, ये कैरियल यहाँ हो गया था आपका, यहाँ ये आपका टांका उठाना बढ़िया था, ये आपकी टाइमिंग आउट हो गई, टांका नहीं उठा रही थी तो आप यहाँ रख लिया। ये आपका मूव हो रहा धागा, ये आपका धागा क्लियर हो गया, आराम से निकल भी रहा है, ये आ गया। तो आपने इस जगह बांधनी है टाइमिंग।
ये आपने धागा तोड़ दिया, ये ध्यान में रखना है आपने, ये आपकी टाइमिंग यहाँ होगी इस साइड पे, ये गौर करना है आपने, इस साइड पे होगी आपकी टाइमिंग, या टाइमिंग यहाँ होना चाहिए, ये आपकी घूमी हुई थी इस साइड पर, ये आपको मैं बताऊँ, ये यहाँ पर, ये यहाँ आई हुई थी, अब ये आपने करना है यहाँ पर, ये आ गए यहाँ, अब आपने ये टाइमिंग कर दी, अब नीचे से आपने देखना ये चाल आ गई है, तो आपने ये चाल को यहाँ से दबाना है और ये टाइट करनी है, सही, हवा बराबर आपने चाल रखनी है और आपने ये पेंच कस लेना है, ये आपने कस दिया, सुराख अगर आपका सेंटर में तो आपने पिन मारनी है, अगर सुराख नहीं है तो आपने ये पेंच टाकर से कसना है, टाइमिंग ओरिजिनल हो गई है, अगर धूर होगा तो आपका टांका नहीं उठाएगी, ये आपकी टाइमिंग है, अभी आपकी क्लियर हो गई, तो आप देख सकते हैं ये टांका भी मैंने दिखाया, तो ये याद रखे इस तरह, ये इतना है इंशाल्लाह, दूसरी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, गज की चाल किस तरह बंद होगी, पुराना गज है, लोग बूझ डालने का कहते हैं कि, अब मैं बताऊंगा कि बूझ पुराना कैसे सही किया जाता है और ये चाल कैसे बंद की जाती है, अब मैं आप, और आप मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करके आप मेरी हौसला अफजाई करें, अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।